स्वादिष्ट किचन विद रिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है तुरई की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पैन को गर्म करेंगे और उसमें 2-3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे और ऑयल को चारों तरफ फैला देंगे और अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे। अब तेल में 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का चॉप टमाटर डालेंगे। इसी के साथ टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 4-5 मिनट बाद इसको खोलेंगे और इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के सारे मसाले को टमाटर और प्याज के साथ चलाते हुए भुनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें तुरई डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ का तुरई लिया है, ये 250 ग्राम तुरई है। अब इसे अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब इसे 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे। 5 मिनट बाद इसे खोल कर मिक्स कर देंगे और फिर से ढक देंगे। इसमें हम पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे ढकते हुए हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। 7-8 मिनट बाद इसे खोलेंगे। ये देखिए, तुरई से बहुत सारा पानी निकला है और तुरई भी सॉफ्ट हो चुका है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तुरई की स्पाइसी सब्जी बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज़ नई वीडियोज़ के लिए।